Good morning and welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, today I will start my new topic. My topic name is Issue of Debenture. Let's start the topic. First of all, debenture. A debenture certificate contains the term of repayment of the principal sum at a specified date and the term of payment or interest at a fixed percent. Dear students, first of all, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डिबेंचर होता क्या है. शेयर, इससे पहले हमने इशू ऑफ शेयर पढ़ा था. जनरल पब्लिक से कैपिटल के तौर पर कंपनी ने पैसा लिया, प्राप्त किया था. डिबेंचर इशू करके जनरल पब्लिक से कंपनी एक लोन प्राप्त कर रही है. तो डिबेंचर के एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे रिटर्न होता है कि पैसा कब लौटा जाएगा और किस रेट से उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा. तो नाउ कम ऑन द टॉपिक. ए डिबेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर रिटर्न सम एट ए स्पेसिफाइड डेट. द डेट ऑन विच द प्रिंसिपल मनी विल रिटर्न एंड द टर्म ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स्ड परसेंट and fixed percent rate of interest also written in here on it. Ki for on which rate interest will pay to the debenture holder. At which rate interest will pay to the debenture holder. Again I repeat, a debenture certificate contains the term of payment of the principal sum at a specified date and the term of payment of interest at a fixed percent. On the interest rate, at which rate interest will be paid, it is also written. Now dear students, types of debenture. Debenture are seven types. First one, secured debenture. Second, unsecured or net debenture. Third, registered debenture. Fourth, bearer debenture. Fifth, redeemable debenture. Sixth, irredeemable debenture. And seventh, convertible debenture. Secured debenture, though debenture, the debenture are those which are secured either or particular assets of the company called fixed charge. For which company, for issue of these debentures, some company kept some assets as security. Or all the assets of the company general called a floating charge. And the other assets are used as a floating charge. It means at the time of liquidation, if company is unable to pay the their money, then the debenture can realize their money by these assets because these assets are kept as security on the debenture. यदि अगर redemption के time पर company payment नहीं कर पा रही है तो इन debenture को अधिकार होता है कि assets के sale से अपना पैसा प्राप्त करने का. दी ज्यादा secure debenture. Net, unsecured और net debenture. दो डिबेंचर फॉर विच कंपनी डज नॉट केप एनी एसेट्स एज सिक्योरिटीज. मीन्स दीज आर नॉट सिक्योर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. दीज आर दीज डिबेंचर आर लाइक द अदर क्रेडिटर. दे आर नॉट सिक्योरिटी आर केप फॉर दी डिबेंचर. डिफरेंट इट्स मीन कि आप इनके लिए कोई एसेट सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखी गई है. अगर लिक्विडेशन के टाइम पर इनका पैसा सीधा ही लौटाना पड़ेगा, ये दूसरे ट्रेडर की तरह से माने जाएंगे. नेक्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर. दोज डिबेंचर हुज डिबेंचर होल्डर हुज नेम एंड एड्रेस आर रिकॉर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. दीज डिबेंचर आर नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर रिकॉर्डेड इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. दी डिबेंचर कैन नॉट इजिली ट्रांसफरेबल. इंटरेस्ट एंड द मनी विल रिफंड ओनली टू दोज हुज नेम एंड एड्रेस रिटन इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी. इनका नाम और एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है, ये आसानी से ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती. जिसका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा, उसी को इंटरेस्ट और लिक्विडेशन के टाइम पर पैसा लौटाया जाएगा, समय पर पैसा लौटाया जाएगा. रजिस्टर्ड डिबेंचर.
बैरियर डिवेंचर, दो डिवेंचर होल्डर हुज नेम एंड एड्रेस आर नॉट रिटन इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, दीज आर इजिली ट्रांसफरेबल एंड इंटरेस्ट विल बी पेड एंड मनी विल रिफंड टू दोज हु हैव द सर्टिफिकेट ऑफ द डिवेंचर. डी डिवेंचर आर नेम एंड एड्रेस ऑफ डी डिवेंचर होल्डर नॉट रिटन इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, दीज आर नॉट इजिली, दीज आर इजिली ट्रांसफरेबल एंड इंटरेस्ट विल बी पेड एंड मनी विल रिफंड सर्टिफिकेट ऑफ द डिवेंचर. जिनके पास सर्टिफिकेट है डिवेंचर का, पैसा भी उन्हीं को लौटाया जाएगा. रिडीमेबल डिवेंचर, दोज डिवेंचर होल्डर हुज मनी वाज रिफंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज नोन एज रिडीमेबल डिवेंचर. दो डिवेंचर हुज मनी वाज रिफंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब जीवन, अपने जीवन काल के अंदर कंपनी इसका पैसा लौटाएगी, दीज आर द रिडीमेबल डिवेंचर. नेक्स्ट इररिडीमेबल डिवेंचर मनी, दी डिवेंचर मनी विल नॉट रिफंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. इनका पैसा कंपनी जीवन काल में कभी भी नहीं लौटाती है. केवल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ मनी मनी विल बी रिफंड बाय द कंपनी, कि इनका पैसा केवल जब कंपनी का समापन हो रहा है तभी लौटाया जाएगा. नेक्स्ट कन्वर्टेबल डिवेंचर, दोज डिवेंचर हु हैव राइट्स टू कन्वर्ट देयर मनी देयर डिवेंचर इनटू द शेयर एट ए फिक्स्ड टाइम पीरियड, कि दी डिवेंचर हैव होल्डर हैव राइट्स टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर आफ्टर सम डे इनटू द शेयर. मींस इफ दे वांट टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर इनटू देयर दे हैव राइट्स आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड. दी पर्टिकुलर पीरियड मींस by is after issue of 18 month to 36 month they can convert their debenture into the shares. debenture issue करने के 18 महीने के बाद और 36 महीने तक 36 month तक वो इनको convert कर सकते हैं. these are the convertible debenture. again I repeat types of debenture. debenture are 7 types. first of secured debenture, second unsecured debenture, third registered debenture, fourth bearer debenture, fifth redeemable debenture, sixth irredeemable debenture, seventh convertible debenture. Dear students, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.